अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा जबकि गरीब आदमी और गरीब। इसका कारण यह है, पहला, अमीर आदमी पैसे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मानता है लेकिन गरीब आदमी पैसे को प्रॉब्लम का जड़ मानता है। दूसरा, अमीर आदमी किसी दूसरे अमीर को पॉजिटिव नज़रिए से देखता है, उसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड होता है लेकिन गरीब आदमी के मन में अमीर के प्रति जलन और घृणा की भावना होती है। ये समझते हैं कि वो लोग दो नंबरिया धंधा करके पैसा कमाए हैं और अमीर बने हैं, इसलिए ये जो गरीब लोग हैं खुद को उससे बेहतर मानते हैं कि हम गरीब ही ठीक हैं। तीसरा, अमीर आदमी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा करते हैं लेकिन गरीब लोगों का उल्टा सिस्टम है, वो लोग सबसे पहले किस्मत को मानते हैं, बाद में मेहनत लगन वगैरह ये सब बाद में। चौथा, अमीर आदमी सोचता है कि भले पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती लेकिन आरामदायक ज़िंदगी तो हासिल की ही जा सकती है ना, लेकिन गरीब आदमी सोचता है कि नहीं चाहिए आराम वाला ज़िंदगी, मैं मेहनत करने वाला पसीना बहाने वाला आदमी हूँ, जब तक शरीर में जान है हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ज़िंदगी भर मेहनत करता रहूँगा। पाँचवा, अमीर आदमी अपने भविष्य का सपना देखते हैं और उसे पाने में लग जाते हैं लेकिन गरीब आदमी अपने बीते हुए कल को ही याद कर करके जीता है कि वो कितने अच्छे दिन थे पहले, अब वैसा दिन कहाँ है आज, कितना अच्छा दिन था पहले, इसी तरह कर करके जीते हैं।